नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। और पीएस क्लासेस की तरफ से सभी भाई बहनों को, सभी अध्यापक गणों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों चलिए बात करते हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिक्षक दिवस पर भर्तियों को लेकर प्रदर्शन। प्राथमिक विद्यालयों में 5.54 लाख सफाई व सुरक्षा कर्मी की भर्ती। और इसी के साथ दोस्तों हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट व अन्य सूचनाएं, साथ ही साथ नया शिक्षा आयोग टीजीटी पीजीटी एग्जाम न्यूज पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए सीधे हम बात करते हैं कि शिक्षक दिवस पर भर्तियों को लेकर आज बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर कई शिक्षक दिवस बीते पर नहीं भरे जा सके शिक्षकों के खाली पद। दोस्तों प्रतियोगी छात्र आज करेंगे धरना प्रदर्शन युवा पंचायत। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सभी समाचार पत्रों में ये मुद्दा छाया हुआ है। शिक्षक दिवस पर पांच को जगह जगह कार्यक्रम किए जाएंगे और शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा, लेकिन रिक्त पड़े हजारों पदों पर प्रक्रिया अब तक अधूरी है। पांच शिक्षक दिवस बीत चुके हैं, भर्ती न होने के कारण स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। दोस्तों बता दें कि प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2018 के बाद कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। राजकीय इंटर कॉलेज में भी वर्ष 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों पर भर्ती हुई थी, इसके बाद 5 शिक्षक दिवस बीत गए लेकिन नई भर्ती नहीं आई। एलटी ग्रेड शिक्षक के 6000 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं और एक साल से इन पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास पड़ा हुआ है। वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर पिछले साल शिक्षक दिवस से पहले आवेदन की प्रक्रिया हो चुकी है लेकिन अब तक परीक्षा नहीं कराई गई है। यहीं अशासकीय सहायता महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती व असिस्टेंट प्रोफेसर के 1013 पदों पर भर्ती के लिए भी पिछले अगस्त में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है लेकिन परीक्षा अभी तक नहीं कराई जा चुकी है। तो इसे लेकर के आज बड़ा आंदोलन होने जा रहा, शांतिपूर्वक धरना होने जा रहा है, इसमें सभी भाई बहन पहुंचे और शांति से अपने हक की लड़ाई को लड़ें। और इसी के साथ दोस्तों आप देख सकते हैं आज के समाचार पत्रों में यही खबर छाई हुई है। आप देख सकते हैं भिन्न भिन्न समाचार पत्रों में कि रोजगार अधिकार है, रिक्त पद भरे जाएं, इसे लेकर आप देख सकते हैं तमाम समाचार पत्रों में ये खबरें छाई हुई हैं। और इसी के साथ दोस्तों हम बात करें तो पीटी 28 और 29 अक्टूबर को इसकी भी सूचना आई हुई है। समूह की भर्तियों के लिए अनिवार्य प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2023 का आयोजन 28 और 29 अक्टूबर को किया जाएगा। इसमें लगभग इतने अभ्यर्थी शामिल होंगे, अधीनस्थ में 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होने की संभावना है। तो दोस्तों ये रही बड़ी अपडेट। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज जो है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के और टीजीटी एग्जाम को लेकर के शांतिपूर्वक एक महाधरना प्रदर्शन का आयोजन है जिसमें आप सभी भाग लें और अपने हक की लड़ाई लड़ें। फिर एक बार पीएस क्लासेस की तरफ से सभी प्यारे भाई बहनों को और सभी शिक्षक को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को ज़्यादा भाई बहनों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी विश्वसनीय सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।